हज़रत, बनी नौ इंसान को जब तख्लीक किया जा रहा था तो उस वक्त शैतान ने ये वादा किया था अल्लाह से कि मैं इस इंसानियत को गुमराह करूंगा और बहकाऊंगा, तो हज़रत क्या उसकी नज़र, शैतान की नज़र इंसान की रूह पर थी या जिस्म पर थी? और यानी क्या, यानी इन अदर वर्ड्स के शैतान का तसर्रुफ रूह पर होता है या जिस्म पर होता है? बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। ये अच्छा पॉइंट है, उसमें ऐसा कि उसके उसका नजर तो रूह पर ही होती है, वो रूह ही अच्छा को गंदा करना चाहता है, अच्छा क्योंकि अच्छा जाहिर है कि रूह जब गंदी होगी तो जिस्म फिर किसी काम का नहीं। जिस्म जी जितना भी आप सवाब बना लें जी तो बिल्कुल वो अल्लाह के उसकी कोई कीमत, ये बात वो जानता है। अब अबू लहब जो है जिस्म उसका इतना खूबसूरत था, रूह उसकी गंदी थी। बिलाल हबशी का जिस्म काला बिल्कुल हबशा का गुलाम, लेकिन रूह उसकी पाकीज़ा और नूरानी थी, सुभान अल्लाह, इसलिए वो रूह सुभान अल्लाह, पर अफेक्ट करता है। तभी तो कलब के ऊपर शैतान बैठा है, वो दिल के अंदर दिल के ख्यालात वसवसे डालता है, तो वसाविस रूह में डाले जाते हैं, जिसमें नहीं डाले जाते, अच्छा बिल्कुल इसलिए सही, रूह को बिगाड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि दुनिया के अंदर जो है वो रूह सवारी है और जिस्म उसके ऊपर सवार है, ठीक है ना। बिल्कुल जी, अब सवारी आपकी जितनी मजबूत होगी तो सवार भी उतने कॉन्फिडेंस से चलेगा, ठीक है ना। अब सवारी अगर लागिर है तो जिस्म भी लागिर, वो भी गिरेगा है। अब आप आपका घोड़ा जो है ताकतवर है तो सवार भी ताकत से चलेगा, घोड़ा का मरियल है गिरा तो वो साथ गिरेगा। तो मालूम है कि घोड़े पे नजर, ठीक है ना, तो घोड़ा असल, तो इसका रूह जो है वो सवारी है और जिस्म उसके ऊपर सवार सवार है, है तो बिल्कुल इसलिए वो सही, क्या करता है, सवारी गिराने की कोशिश करता है। जब सवारी गिरती है तो जिस्म खुद ब खुद गिरेगा, तो रूह खराब करने की कोशिश करता है वो। इसलिए नबी ने भी रूह ही के लिए वो मेन भी बात बताई, नियत, कि वो जो रूहानी जो अंदर कलब के अंदर, तो नियत को खालिस कर लो। जब सुभान खालिस अल्लाह, नियत कर लेगा अल्लाह के लिए तो अल्लाह ये सोचेगा ये मेरे लिए करना चाहता है, तो अल्लाह खुद आपका मददगार हो जाएगा, आपको तौफीक दे देगा कि आप उन अमाल को अच्छे तरीके से कर लेंगे जी बिल्कुल और शैतान को आने नहीं देगा। ठीक है, और तभी कुरान करीम की तिलावत से पहले क्या कहा, फस्तईज बिल्ला है वैजा करातुल कुरान और फस्तईज बिल्ला, जब कुरान की तिलावत करने लगो तो कहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान को दूर करो। जी बिल्कुल जब शैतान दूर होगा अब कुरान करीम की तिलावत करेगा, तो ये खालिस अल्लाह के लिए तिलावत हो रही है, बंदे अल्लाह आपस में कलाम कर रहे हैं जी, और बीच में वो शैतान नहीं आ पा रहा क्योंकि उसको दफा कर दिया और अल्लाह ने माशाल्लाह आपको अपनी पनाह में ले लिया। माशाल्लाह तो वो रूह पे अफेक्ट करता है ठीक है, ताकि वो जिस्म भी उसके साथ अच्छा ढह जाए। जी।